शारीरिक दक्षता परीक्षण जो कि भविष्य के निर्माण के लिए लगन और निष्ठा और इसके साथ ही वर्ष या लोगों के बीच में नफरत होने के अंजाम कितने कि हमारे शोक पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। तक रिंचू सोरेन जी के आज हम लोग यहां विभिन्न वक्त में कुछ घटना घटित हुई है और उस घटना में कई परिवारजन लोगों का साथ छूटा है। जो हमारे साथ छोड़ गए उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आगे जिंदगी में हम लोग कैसे साथ चलें, कैसे रहें, कैसे एक दूसरे का मदद करें, सहयोग लें, सहयोग दें, उन घटनाओं में मृत्यु हुए लोगों के आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भी यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, प्रार्थना करने के लिए भी एकत्रित हुए हैं और एक संवेदनशील सरकार होने के नाते अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन भी सरकार करती है। उसी प्रकार मॉब लिंचिंग में 28 लोगों की जानें विगत वर्षों में इस राज्य में हुआ, कई लोगों का घर चलाने वाला आदमी अब घर पे नहीं बचा, किसी के परिवार में माता पिता सभी का निधन हो गया, सिर्फ बच्चे बच गए। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मर्माहत करने वाला आज का ये माहौल है और सभी लोगों की आशाएं का भी, सभी लोगों की अपनी दुख भरी बातें अभी मुझे मेरे कानों पर लोगों ने बोला है। और आप अस्वस्थ रहें, आपके हर दुख के घड़ी में हम आप लोग के साथ हैं और अभी आने वाला समय में भी आपको हम अपनी नजरों से ना ओझल होने दें। आपके लिए कोई ना कोई जीवन यापन व्यवस्था आपको उपलब्ध हो, आपके हुनरमंद और आपके हुनर के अनुरूप, आपके दक्षता के अनुरूप कोई ना कोई चीजें जरूर सरकार आपके साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। घर द्वार जिनका नहीं है, जिनके पास जीने खाने की
चुनौती है उन सभी लोगों को। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सभी यहां पीड़ित परिजन का के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार कई माध्यमों से आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करती है।